ठीक है सर, अगर वो 15th को हीट पे आई है तो 7th, 8th डे 15th को हीट पे आई है, 8th डे 23rd और 24th की डेट मैं आपके लिए फ्री रखता हूँ, इस डेट को आप ले आइए फीमेल को इंट्रोड्यूस कराने। सलाम काशिफ भाई, काशिफ भाई बस हम ये मैं बस्ती आ गए तो बस आपके पास इंशाल्लाह। सबके उम्मीद करते हैं कि तमाम कर लोग और उनके जानवर सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने अभी तक की वीडियोस इतनी लाइक की है और सब्सक्राइबर्स जो है वो ऑलमोस्ट हमारे 10,000 प्लस पे पहुंच चुके हैं। मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं और आज की वीडियो का इसी से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा सगे भाई आप इसको 2 दिन बाद दोबारा ले, परसों ले। आपकी फीमेल का नाम क्या है? वुल्फी एंड रियो, फर्स्ट लॉट, ठीक है, 24th February। रियो साइड पे ना, ये वो जो हीट वाली वीडियो बन रही है ना यूट्यूब पे, उसके लिए ये कि किस दिन कराना चाहिए जो लोग सवाल करते हैं। अच्छा जी, 25 नॉट नंबर 2 लियो और वुफी, राइट। देखा आप लोगों ने 15 फरवरी को फीमेल जो है वो ऑलमोस्ट हीट पे जो है वो आई थी। हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि हम 7वें या 8वें दिन इसको मेल के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 23 फरवरी को हमने इसको मेल के साथ इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली नॉट लग गई, जिसकी कि आपने वीडियोस अभी पीछे देखी। उसके बाद हमने एक दिन का गैप देके इसको दोबारा मेल के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो 2 नॉट्स लग गई। 2 नॉट्स इसकी जो है विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द हीट लगी है, यानी कि पहले 10 दिन ऑफ द हीट के लगी है। तो जिन लोगों का ये सवाल रहता है कि किस दिन मेट कराना चाहिए, क्या चांसेस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, वो ये फॉर्मूला अपना सकते हैं कि अपनी फीमेल डॉग को 7वें 8वें दिन किसी भी मेल डॉग के साथ इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कराएं तो मेटिंग का डे ऑटोमेटिकली उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वूफी ने अपनी डिलीवरी जो है वो यूजुअल टाइम से थोड़ा सा ऊपर जाके की थी। यूजुअली डिलीवरी जो है वो 60 से 65 दिन के अंदर हो जाती है, लेकिन वूफी की डिलीवरी जो है वो 70वें दिन के ऊपर जाके हुई थी। जब वूफी को वेट के पास दिखाया भी गया था, मैं उन वेट का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, तो वेट ने यही कहा था कि ये फीमेल प्रेगनेंट नहीं है। तो प्लीज़ जब आप किसी वेट के पास जा रहे होते हैं तो मेक श्योर किया कीजिए कि वो वेट जो है वो ऑथेंटिक वेट हो और उनकी मार्केट में थोड़ी सी रिप्यूट हो। हमारे दोस्त जो है वो किसी ऐसे वेट के पास चले गए थे जिनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक पपी भी नज़र नहीं आ रहा था और 70वें दिन अल्लाह के फजल करम से 3 पपीज डिलीवर हुए थे। इस लेटर के अलावा भी हमारे पास एक और लेटर अवेलेबल है। आपने वीडियो की शॉर्ट्स में देखा होगा कि मेरे पास अभी जो है वो 6 पपीज अवेलेबल हैं। तो किसी भी फ्रेंड को अगर कोई पपी में इंटरेस्ट हो तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम आपको पपी ऑफर करेंगे। चलिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।